हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही टेस्टी चिवड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत कम टाइम में बन जाती है, बट बनती बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार बनाएंगे और बार बार इसको खाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसे बना के एक बार रख लेंगे स्टोर करके, और इसे आप बहुत टाइम तक, लंबे समय तक खा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग इसे किस चीज़ से बनाने वाले हैं। जी हाँ गाइज, मैं इसे आज बना रही हूँ सूजी के साथ में। और सूजी के साथ इनमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, आइए वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें जाएगा कुछ, ये मैंने लिए हैं करी लीव्स, ये मैंने लिए हैं कुछ मूंगफली के दाने, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें हैं ये थोड़े से कैशू नट, काजू, आमंड्स, बादाम, ताल मखाने एंड किशमिश। तो ये सभी चीज़ों के साथ में ये बनने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसे हमें किस टाइप से बनाना है। गाइस, आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है कि एक कप कोई भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यही कप, आपके घर में जो भी बोल हो, कोई भी कटोरी हो, इस टाइप से कोई भी एक मेजरमेंट कर लीजिए और उसी से आपको नापना है। तो जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही हमें वाटर ऐड करना है, और मैं बताती जाऊंगी कितना वाटर लेना है। ये सूजी वही ली है बारीक वाली, जिससे कि हम हलवा बनाते हैं। तो सूजी को अभी साइड कर देते हैं और मेजरमेंट कर लेते हैं वाटर का। तो गाइज, आप कोई भी पैन ले लीजिए, और ये मैंने 1 कप वाटर ऐड कर दिया है, और अभी मैं इसमें थोड़ा वाटर और ऐड करूंगी। और ये मैं और ले रही हूँ थोड़ा वाटर, 1/4 कप, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया है। इसमें आपको 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है, और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट, सफ़ेद नमक भी ऐड कर रही हूँ। गैस ऑन करके हमें इसमें एक बॉयल आने देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ गया है, बस हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, और ऑफ फ्लेम करके ही आपको सूजी को इसमें ऐड करना है। इस बात को आपको माइंड में रखना है, फ्लेम ऑफ करके ही आपको सूजी ऐड करना है, नहीं तो वाटर हमारा कम हो जाएगा, और फिर सूजी जब डालेंगे तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी पानी की, तो सूजी हमारी बहुत ज़्यादा थिक हो सकती है। अभी आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करके लीड लगा के आपको इसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो लीड लगा दी है मैंने, और कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रहने दीजिए। तो गाइस, मैंने एक कढ़ाई रख दी है, कोई भी आप पैन कढ़ाई कुछ भी ले लीजिए, उसे हीट कर लीजिए, और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अभी जो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसमें से मैंने आमंड्स को और कैशू नट को कट कर लिया है, और इन्हें सबसे पहले फ्राई करना है। ड्राई फ्रूट्स में आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। बस ये है कि ड्राई फ्रूट्स डालने से गाइस इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जो हमारा चिवड़ा बन रहा है उसमें ये ड्राई फ्रूट्स हम डाल देते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप सूजी डालेंगे तो आपको फ्लेम को ऑफ करके ही सूजी को डालना है। इस बात को आपको ज़रूर याद रखना है। अभी मैं इसमें मखाने भी ऐड कर देती हूँ। किशमिश को आपको सबसे लास्ट में डालना है, बिकॉज गाइस किशमिश जो होती है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो आपको उसे सबसे लास्ट में ऐड करना है। फ्लेम को आपको स्लो ही रखना है, और इन सभी चीज़ों को स्लो फ्लेम पे ही आपको अच्छे से फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक। अब मैं किशमिश भी ऐड कर रही हूँ, और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। बस हमें इतना ही इन्हें चाहिए,
अभी हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और इन सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेना है एक प्लेट में। और अभी मैं ले रही हूँ ये पीनट्स, इन्हें भी डाल के अच्छे से फ्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए इन्हें बहुत अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं हमारे पीनट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी मैं इसमें ये डाल रही हूँ पॉपी सीड्स, जिसे हम खसखस भी बोलते हैं, इसे भी डाल के हमें अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये लिया है मैंने करी लीव्स, इसे आपको हाथ से थोड़ा सा ऐसे क्रश करते हुए डालना है। और अगर आपने ताज़ी ली हैं तो उन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर सुखा लीजिए, बस पानी उनका ड्राई होने तक, और फिर आप उन्हें कट करके इस तरह से डाल सकते हैं। बट मैंने घर में इन्हें अच्छे से वॉश करके और रख लिया था ड्राई होने के लिए। करी लीव्स आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, इससे हमारे चिवड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। ये चिवड़ा इतना टेस्टी बनता है कि आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। अगर आप सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो उसे भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये घर का बना है तो मानी बात है बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छे से, बहुत ही सफाई के साथ बना होगा, अच्छे से हाइजीनिक तरह से बना होगा। तो आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं, घर में छोटी सी भूख लगी है अगर आपको तो टाइम टाइम आप इसे खा सकते हैं। अभी मैंने ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च को भी लेके क्रश करके इसमें डाल दी है। बस आपको क्रश करके ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा ये चाट मसाला भी डाल रही हूँ, कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस इतना ही। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये लिया है मैंने गाइस शुगर पाउडर, इसे भी ऐड कर लेना है। अभी फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ। ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा था इन्हें भी हमें इसी में मिक्स कर देना है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सभी चीज़ों को हमें ट्रांसफ़र कर लेना है एक प्लेट में। अभी मैं इसमें बहुत थोड़ा सा सफ़ेद नमक ऐड कर रही हूँ और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। ये लिए हैं मैंने 2 पोटैटो और इन्हें भी अच्छे से इसमें ग्रेट कर लेना है। तो मैंने अपने पोटैटो को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसमें कोई लम्स नहीं है, आप देख सकते हैं कोई भी छोटा पीस नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारी सूजी किस तरह की है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी सूजी की कंसिस्टेंसी किस तरह की हो गई है। तो बस इसे थोड़ा सा हैंड से ऐसे मसल लेना है अच्छे से। आप चाहें तो थोड़ा सा हैंड में अपने ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसमें हमें जो ये हमने ग्रेट किए थे आलूओं को अच्छे से मिक्स करते जाना है। इन सभी को अच्छे से इसमें डाल के और इस टाइप से मिक्स कर लेना है। ये जो हमने पोटैटो ग्रेट किया है गाइस, ये सूजी में मिक्स कर देने से हमारे जो सेव बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो आप पोटैटो ज़रूर ऐड करें। आप देख सकते हैं गाइस ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। और सूजी को और पोटैटोज़ को मैंने बहुत अच्छे से इसमें मिक्स भी कर लिया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस आपके साथ में शेयर करती हूँ कि अब आगे हमें क्या करना है। ये कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं ऑयल ऐड कर देती हूँ।
ऑयल को मैंने ऐड कर दिया है और इसे हीट होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक कि हमारा ऑयल हीट हो रहा है, ये मैं ले लेती हूँ सेव मेकर, सेव बनाने की मशीन। तो गाइस हमें ये इस टाइप की एक जाली ले लेना है और इसके अंदर हमें इसे लगा देना है और इसे भी हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। हल्का सा इसमें अंदर ऑयल लगा लेना है, थोड़ा सा ग्रीस करके ऑयल लगा के आपको इस टाइप से कर लेना है और जो ये हमारा सिलेंडर है इसके अंदर हमें डाल देना है। ऑयल को आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि ऑयल हमारा हीट होना चाहिए। ऑयल अच्छे से हीट नहीं होगा तो सेव हमारे परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो ऑयल को आपको परफेक्ट हीट करना बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए, जब आपको अपने हैंड पे समझ में आने लगे कि स्टीम आ रही है तो आप समझ लीजिए कि ऑयल आपका परफेक्ट हीट हो चुका है। एक बार में आपको बहुत नहीं निकालना, बस थोड़े थोड़े ही करके आप निकालिए। आपको डालते ही आपको स्पून इस पर टच नहीं करना है। कुछ देर के बाद इन्हें आपको बहुत ही आराम से इस टाइप से करते हुए टर्न कर देना है। एक बार में आपको बहुत सारे नहीं निकालने, थोड़े थोड़े करके ही आपको निकालते जाना है। बस हमें इतना ही इस पर कलर चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए अभी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दूसरा बैच भी रेडी करना है अब हमें। आपको डालते ही आपको स्पून इस पर टच नहीं करना है। कुछ देर के बाद इन्हें आपको बहुत ही आराम से इस टाइप से करते हुए टर्न कर देना है। एक बार में आपको बहुत सारे नहीं निकालने, थोड़े थोड़े करके ही आपको निकालते जाना है। बस हमें इतना ही इस पर कलर चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए अभी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दूसरा बैच भी रेडी करना है अब हमें। गाइज आप देख सकते हैं हमारा सेव बन के रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इस टाइप से इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डाल के और इन्हें इस तरह से सेव की तरह भी खा सकते हैं। और आप चाहें तो जिस तरह मैं बता रही हूँ इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। एक रेसिपी में 2 in 1 काम हो सकते हैं। तो इन्हें हल्का सा हमें हाथ से ऐसे क्रश कर लेना है, बस इस टाइप से, और इन सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देना है। और हाँ गाइस, आप इन्हें बना करके 2 month तक रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में करके, और आराम से मेहमान आए तो उनके सामने भी
इन्हें नाश्ते में लगा सकते हैं। तो ये जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, इन सभी को भी इसमें मिक्स कर देना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारा ये चूड़ा बन के रेडी हो गया है। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय करते हुए इसे खाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, चाहे आप सफ़र पे जा रहे हो तो लेके जाइए। बस इतना है कि एयर टाइट कंटेनर में रख के ही आप इसका यूज़ करें, 2 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ये चूड़े की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट शेयर तो एक बनता ही है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और कर लिया तो सो थैंक यू सो मच। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।